चलता है आसमान रंग कैसे कैसे, कि ऑलरेडी टीवी पे जनरली जो है ना उसको जिस तरह पिछले लोग सड़कों पे आए थे नहीं दिखाया गया, आज भी ज़्यादातर नहीं दिखाया जा रहा था। कोई किस्म का ब्लैकआउट है, पता नहीं है गवर्नमेंट की वजह से है या चैनल्स वाले खुद एहतियात कर रहे हैं, इश्तहारों की लालच होती है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, अभी ये क्लियर नहीं है, मगर इग्नोर हो रहा है वो जलसा जिस तरीके से। पहले उनकी तकरीरें दिखाई नहीं जाती, दिखाए जलसे होने के अलावा दिखाए जाने भी बड़े ज़रूरी हैं, सोशल मीडिया खाली काफ़ी नहीं होता, ये एक हो गई। दूसरा, अब आ जाएँ शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो इस बयानिए को किस तरीके से करते हैं। एक तो इमरान खान के सारा ये जो उन्होंने केस क्रिएट किया गया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला सिलसिला, कि ये इम्पोर्टेड है और कितनी है, साजिश नहीं है, और दूसरा उनके इंटरनल चैलेंजेस हैं, तीन चार उनके बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि कुलीशन इतनी ज़्यादा लोग हैं कि वो सही भानमती का कुंभा है कि उसमें हर बंदा बड़ी बड़े लिस्ट लेके बैठा हुआ है, डिमांड लिस्ट लेके बैठा हुआ है, हर कोई बड़ी बड़ी वजारतें चाहता है, उद्योगों के अंदर ज़्यादा हिस्सा चाहता है, और MQM फॉर एग्ज़ाम्पल वही नहीं संभाली जा रही जो है। उन्होंने वसीम अख्तर के जिस तरीके से रिएक्शन आया, आज उनका एक बयान किस जगह चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब को द वेरी फैक्ट की बात तरले के लिए कराची जाना पड़ा है कि अभी तक कैबिनेट नहीं फाइनल हो पाई, कि उन्होंने आज एलान MQM को मैं देख रहा था, वो उन्होंने कहा है कि जी हो सकता है हम कैबिनेट में फेडरल में ना ही बैठे, अब ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। सब छोटी पार्टियां इंडिपेंडेंट जो जिसने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की है, सब बड़ा बड़ा हिस्सा मांगेंगे। एक तो ये इस ऑफ कुलेशन को कोर्स इट्स इकट्ठे पावर रखना, पॉलिटिक्स। कुलेशन को इकट्ठे रखना, सबको खुश रखना। अब इसका डायरेक्टली ताल्लुक आ जाता है इन चीज़ों को, जब खुश करने की तरफ पड़ जाए तो फिर आप गवर्नेंस के मसाइल भी हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। वही करने पड़ते हैं। और गवर्नेंस के मसाइल के अंदर जो सबसे बड़े दो तीन बड़े चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा तो इनके लिए, क्योंकि ये बहुत तनकीद भी करते रहे हैं और जायज़ हम भी बहुत करते रहे हैं, वो लोड शेडिंग है। इस वक्त जो है लोड शेडिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है, आइंदा मुझे बताया जा रहा है कि 10-10 घंटे की होने जा रही है, कि LNG वो इनका कसूर नहीं था, पहले ही नहीं खरीदी गई और अब बहुत दुनिया में महंगी हो गई है। और दूसरा पानी की, ये 10-12 साल बाद ये क्राइसिस इस वक्त आया हुआ है। आपको याद रहे कि पानी सबसे सस्ती बिजली पानी हाइडल होती है, और वो तकरीबन आप 6,000 मेगावाट के करीब, कोई आप समझ लें कि आपकी डिमांड की जो है ना 1/4 के करीब जो है ना वहाँ से पूरी होने की उम्मीद होती है। इस वक्त झीलों का हाल ये है कि शायद अभी ये कल परसों हमारे दोस्त अहमद फराज साहब इस पर बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी खबर थी कि वहाँ 7 मिलियन फॉर एग्ज़ाम्पल 70 लाख के करीब जो है मंगला की पानी की कैपेसिटी है, और वहाँ शायद 1-2% भी नहीं पहुँची, और इस वक्त वहाँ पे 40-50% होना चाहिए था, क्योंकि बारिशें नहीं हुई, और चूँकि पिछले साल बर्फ़ बड़ी कम पड़ी है वैसे ही, और लेट भी हो गया है, गर्मी लेट हो गई है, तो एक वो हाइडल मिला के LNG और पेट्रोल जो है, इनकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि थोड़ा सा नीचे जा रहा है। सो एक लोड शेडिंग का बहरहाल इनका चाहे कसूर है या नहीं, लोग उम्मीद गवर्नमेंट ऑफ द डे से करते हैं कि जनाब कुछ ये आएंगे कर दें। तो ये चमत्कार दिखाएंगे और यूं ठीक कर देंगे, जो कि इनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा। लोग भूल जाते हैं कि किसका क्या कसूर है, तो वो उन्होंने कहना जी शहबाज शरीफ साहब की तक निकालें आप अपने जो है ना रबड़ के जूते और हैट और हमारा मसला हल करें। दूसरा इनका बहुत बड़ा मसला है पेट्रोल का, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने और बिजली की कीमतें जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट कर गई थी कि ना 10 रुपये कम इसकी और 5 रुपये बिजली के, और उन्होंने कहा जी हम जून तक इसको नहीं छेड़ेंगे। अब वो 300 अरब रुपए के करीब खर्चा है, अगर वो ये नहीं उसको करेंगे, किस्मत इनकी अच्छी है कि $98 पे पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो गया है 110-120 से, सो वो इनकी थोड़ी सी किस्मत है इंटरनेशनल मार्केट में, स्टिल इट्स अ लोड। मगर इनको वो अगर उसको ख़त्म नहीं करते, ख़त्म करते हैं तो आम के आदमी के लिए पेट्रोल गैस महंगी होगी, तो वो लोग चीखे मारेंगे, नहीं करते अगर तो वो जो है ना आपका डेफिसिट आपका बजट सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा IMF आपको ट्रांश नहीं देती है,